और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई है। आपको जानकारी दें कि जबलपुर से हैदराबाद जा रही थी फ्लाइट, यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब जांच इस बात की हो रही है कि आखिर धमकी किस तरीके से दी गई है, मेल के जरिए, फोन के जरिए। हालांकि इसके बाद तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़े हुए हैं। सैयद, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी जो धमकी मिली है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो मेल के थ्रू जो है धमकी मिली है, और दूसरा ये कि इसमें कहा गया 6E7308 जो कि नागपुर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जबलपुर से ये हैदराबाद जा रही थी, और बताया जा रहा कि जब ये फ्लाइट टेक ऑफ कर गई उसके बाद ये धमकी मिली, जिसके बाद जो है उसको सुरक्षित जो है फिलहाल उतार लिया गया है नागपुर में, और अब सुरक्षा जांच जो है वो की जा रही है। पूरे जो विमान है उसकी जांच की जा रही है, देखा जा रहा है कि कहीं कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है, इसलिए माना जा सकता है ये हॉक्स मेल हो सकता है, हॉक्स कॉल हो सकती है जो ये धमकी आया। लेकिन ये है कि अब इसको सुरक्षा को देखते हुए जांच एजेंसियों को और पुलिस को इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, और एहतियातन जो है जो इंडिगो ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसमें जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर बनाकर रखे, तमाम अपडेट्स हम आपसे। जा रही थी फ्लाइट, यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब जांच इस बात की हो रही है कि आखिर धमकी किस तरीके से दी गई है, मेल के जरिए, फोन के जरिए। हालांकि इसके बाद तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़े हुए हैं। सैयद, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी जो धमकी मिली है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो मेल के थ्रू जो है धमकी मिली है, और दूसरा ये कि इसमें कहा गया 6E7308 जो कि नागपुर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जबलपुर से ये हैदराबाद जा रही थी, और बताया जा रहा कि जब ये फ्लाइट टेक ऑफ कर गई उसके बाद ये धमकी मिली, जिसके बाद जो है उसको सुरक्षित जो है फिलहाल उतार लिया गया है नागपुर में, और अब सुरक्षा जांच जो है वो की जा रही है। पूरे जो विमान है उसकी जांच की जा रही है, देखा जा रहा है कि कहीं कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है, इसलिए माना जा सकता है ये हॉक्स मेल हो सकता है, हॉक्स कॉल हो सकती है जो ये धमकी आया। लेकिन ये है कि अब इसको सुरक्षा को देखते हुए जांच एजेंसियों को और पुलिस को इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, और एहतियातन जो है जो इंडिगो ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसमें जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर बनाकर रखे, तमाम अपडेट्स हम आपसे। जा रही थी फ्लाइट, यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब जांच इस बात की हो रही है कि आखिर धमकी किस तरीके से दी गई है, मेल के जरिए, फोन के जरिए। हालांकि इसके बाद तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़े हुए हैं। सैयद, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी जो धमकी मिली है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो मेल के थ्रू जो है धमकी मिली है, और दूसरा ये कि इसमें कहा गया 6E7308 जो कि नागपुर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जबलपुर से ये हैदराबाद जा रही थी, और बताया जा रहा कि जब ये फ्लाइट टेक ऑफ कर गई उसके बाद ये धमकी मिली, जिसके बाद जो है उसको सुरक्षित जो है फिलहाल उतार लिया गया है नागपुर में, और अब सुरक्षा जांच जो है वो की जा रही है। पूरे जो विमान है उसकी जांच की जा रही है, देखा जा रहा है कि कहीं कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है, इसलिए माना जा सकता है ये हॉक्स मेल हो सकता है, हॉक्स कॉल हो सकती है जो ये धमकी आया। लेकिन ये है कि अब इसको सुरक्षा को देखते हुए जांच एजेंसियों को और पुलिस को इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, और एहतियातन जो है जो इंडिगो ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसमें जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर बनाकर रखे, तमाम अपडेट्स हम आपसे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।